फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं टाइगर जिंदा है के 42 दिनों का फाइनल कलेक्शंस प्रोड्यूसर फिगर्स का। चलिए बात करते हैं, तनादश के फिगर्स आ चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखिए कलेक्शंस को तो 19 लाख इस फिल्म ने कमाई की है और इसके साथ ही टोटल जा पहुंचा है 338.19 करोड़ का। यानी कि कलेक्शंस मुझे जो उम्मीद थी लगभग इसी तरह की उम्मीद थी थर्सडे को भी, बट कोई बात नहीं, कलेक्शंस सीधी सी बात है धीमा होंगे ही जो भी हो। और अगर आप ध्यान से देखो तो बढ़िया कलेक्शंस आए पूरे इस हफ्ते में और टोटल कलेक्शंस अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं 2.63 करोड़ सिर्फ 6th वीक में इस फिल्म ने कमाया है, जिनसे कि मैं आपको दिखा दूं इन्होंने अपडेट किया है 2.63 करोड़ यानी कि 6th वीक में। तो अगर 5th वीक से और 6th वीक का कंपैरिजन देखें जो ड्रॉप है बहुत कम मिला है और बाकी हफ्तों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 6th वीक में जो ड्रॉप है बहुत कम मिला है। तो टोटल जो कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है वो हो चुका है 338.19 करोड़। अब अगर आप सोच रहे होंगे इस फिल्म को और कितना कमाना है पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा ही लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कितना दूर है और उसे क्या करना पड़ेगा अगर इसे पीके का ऑफिशियल रिकॉर्ड तोड़ना है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं इसका पीके की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स फिगर जो आया है 340.84 करोड़, ठीक है, जो पकड़ के चल रहे हैं। और उसके बाद अगर हम माइनस करें इसके कलेक्शंस को अभी तक का 338.19 करोड़ जो 42 दिन तक का आया है, तो 2.65 करोड़ चाहिए, तो कोई ज़्यादा कलेक्शंस बाकी नहीं है करने में। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए 6th वीक ख़त्म हो चुका है और अब 7th वीक चालू होगा, आज ही से चालू हो गया है, तो ऐसे में स्क्रीन काउंट थोड़ा बहुत कम होगा या ज़्यादा नहीं होने वाला या फिर नहीं भी होगा क्योंकि इस हफ्ते भी कोई फिल्म नहीं है। वही अगर इसको कंपटीशन है तो पद्मावत से है, तो उससे फ़ायदा नुकसान तभी होगा जब जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रिलीज़ होगी तो। लेकिन अगर वो फिल्म रिलीज़ नहीं होती तो ये हफ्ते भी इस फिल्म के लिए अच्छे रहेंगे। यानी कि अगर आप एक लॉजिक ध्यान से देखें, वो लॉजिक मैं अब आपको बताता हूँ। अगर ये 6th वीक में कितना इसने कमाई की, अगर आपको यहाँ पे ध्यान दिला दो, 6th वीक में इसने कमाई की 2.63 करोड़। कितनी कमाई की 6th वीक में? 2.63 करोड़। और अगर ये कमाई सेम, ये देखिए इसके जितना ही बाकी है अभी, राइट, यानी कि 7th वीक में भी अगर इस तरह की कमाई आ गई, क्योंकि 6th वीक में पद्मावत बहुत फॉर्म में चल रही है, उसके बावजूद टाइगर जिंदा ने इतनी कमाई की 2.63 करोड़, और इसको बाकी है पीके का रिकॉर्ड बीट करने के लिए कितना, 2.65 करोड़। यानी कि ये फिल्म में अब भी जान है, अब भी ये तोड़ सकती है पीके का रिकॉर्ड। यानी कि हिम्मत मत हारिए, टाइगर अभी जिंदा है, बस इतना ही कहूँगा। क्योंकि देखिए 6th वीक में अगर इतना कमा लिया तो 7th वीक में भी यहाँ तक कमा सकती है, या फिर अगर इसने 7th वीक में 2 करोड़ भी कमाई कर ली, यानी कि ड्रॉप ज़्यादा नहीं हुआ, जो चांसेस है नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भी मुझे नहीं लगता है कोई और नई फिल्म आ रही है, तो पद्मावत और टाइगर जिंदा ही तो है। तो ये हफ्ता पूरा इस फिल्म के पास है, ये हफ्ता अगर 2 करोड़ कर लेती तो इतना दावे से मैं कह सकता हूं आईआरई और दूसरी जो फिल्म आ रही है पैडमैन, तो उसके साथ में भी रहकर 65 लाख जरूर कमा सकती है। यानी कि इसका जो 8th जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था 8th वीकेंड होगा तब तक रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो उस पर ही मैं फिलहाल अभी तक कायम हूं, यानी कि 52 डेज का तक जो टाइगर जिंदा है रिकॉर्ड देगी पीके का। अब देखते हैं क्या होता है कलेक्शंस। बहरहाल आपको थोड़ी उम्मीद जरूर बंधी होगी, लेकिन मैं इसलिए उम्मीद बांध रहा हूं क्योंकि चांसेस है तोड़ने के, और अगर कलेक्शंस ऐसे ही स्टेबल रहे तो ये जल्दी टूटेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही, बाय बाय।